डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन परिवार में। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं हम लोग दशमलव के सवाल, और दशमलव में आपने देखा होगा कि कैसे कैसे दशमलव नए तरीके बन रहे हैं, कैलकुलेटिंग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं जिनको आप जो है लघुत्तम निकालते हैं, काटने में समय लग जा रहा है, या फिर बार वाले सवाल आ रहे हैं। अब वो छोटे सवाल नहीं रहे, अब सवाल तो आ रहे हैं लेकिन थोड़ी साइज बड़े हो जा रहे हैं। तो कुछ और प्रश्नों को लेकर मैं आया हूँ, आइए देखते हैं कैसे उन सवालों को सॉल्व किया जाएगा। आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न, लगाने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, कितने 1/6 मिलकर 41 सहित 2/3 के बराबर हो जाएंगे? अगर हम आपसे ये कह दें कि कितने 2 मिलकर 8 हो जाएंगे, क्या करेंगे आप? 8 में आप 2 से भाग दे देंगे, बस वही काम यहां भी करना। कितने 1/6 मिलकर 41 सहित 2/3 बन जाएंगे? तो हमें 41 सहित 2/3 में 1/6 से भाग दे देना चाहिए। भाग देने से पहले अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से सही इम्प्रॉपर में चेंज कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए, 3 1 के 3 और 2 5 और 3 4 के 12, 125/3 है। इसमें मुझे 1/6 से भाग देना है, यानी गुणा 6/1 कर देना। और जैसे मैं करूँगा 3 × 6 125 × 250 हो जाएगा, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कितने 1/6 मिलकर आपका उत्तर हो गया 250। 1/6 अगर मिल जाए तब जाकर 41 सही 2/3 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, लिखा है 1/15, 1/35, 1/63, इसको जोड़ के दिखाइए। आप समझ सकते हैं इन संख्याओं का लघुत्तम निकालना आसान काम नहीं होगा, तो इन्हें एक खास क्रम में लिखा गया है, ध्यान से देखिए। ये लिखा है 3 × 5, ये लिखा है 5 × 7, ये लिखा है 7 × 9, ये लिखा है 9 × 11, ये आया है 11 × 13। इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप 1/3 − 1/5 करें, 1 − 3 − 1/5 करें, तो ये हो रहा है 2/15। और जबकि हमको चाहिए 1/15, तो हम देख रहे हैं कि हर जगह पे 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हमको क्या चाहिए, वह 2 हम कॉमन ले लें। अगर हम कॉमन ले लें यानी खत्म करना चाहें, तो हमें क्या करना चाहिए, 1/2 मुझे कर देना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा 1/2 से, कि जितना ऊपर से 2 बनेगा वो आके नीचे कट जाएगा। अब फिर हम लिखते चले जाएंगे, +1/5 − 1/7 +1/7 − 1/9 +1/9 − 1/11 और +1/11 − 1/13। अब होगा क्या कि जितना प्लस माइनस है ये कटता चला जाएगा, और हमारे पास बचेगा 1/3 − 1/13, और 1/2 तो बाहर रहेगा ही। अब 3 13 का लघुत्तम लेंगे तो 39 आएगा, 13 3 39 13 और माइनस 13 3 39 3 आ जाएगा, तो 10/39 हो जाएगा। यानी अब आपका उत्तर हुआ 1/2 × 10/39। तो 10 को 2 से काट सकते हैं आप, तो 5/39 आपका उत्तर बन जाएगा। ये रहा आंसर। तो आप देख सकते हैं सवाल कैसे हैं और इन्हें कैसे हैंडल किया जा रहा है। एग्जाम के अंदर थोड़ी रफ्तार मेंटेन रखने की जरूरत है। अब थोड़ा हमारे ऊपर एक ये समस्या होती है कि अगर हम बहुत फास्ट करें तो आपको ये लगेगा कि यार इतना जल्दी जल्दी कर दिया कुछ समझ नहीं आया, और धीरे करें तो ये होगा कि भाई टीचर ही इतना धीमे करता है तो स्टूडेंट कितना धीरे करेगा। जरा हमारी मजबूरी समझ जाइएगा आप। आइए देखते हैं, अब ये 537 है, आप जानते होंगे इसको बनाना, क्या करें 537 में से आपको क्या घटाना चाहिए 5, ये हो जाएगा 532, और ये बटा हो जाएगा 990। ऐसे ही 335 में से आप घटाओगे, 335 में से 3 घटाओगे, ये हो जाएगा 332 और बटा 990। और इसी तरह से फिर हो जाएगा 234 में से 2 घटाओगे तो हो जाएगा 232 और बटा 990। बस यही इतना हल करना। हम देख रहे हैं जब सबके नीचे 990 ही है तो ये माइनस करना ये प्लस करना, आओ पहले जोड़ लेते हैं। तो हम इसको और इसको पहले लिखे गए, यानी हम लिख सकते हैं 532 प्लस 232 माइनस 332 और बटा 990 तो रहेगा ही। अब चलो हल करें। तो अब जरा सोचो, 232 में से 332 घटाओगे तो माइनस तो होगा, और माइनस तो इसमें से कर दोगे तो 432 हो जाएगा, ये हो जाएगा 432/990। 432/990, ये देखो जरा अपना विकल्प, इतने आसानी से आपका उत्तर हाजिर।
अगले प्रश्न की तरफ चले तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अच्छा बराबर ये, अगर हम 3.718 कहें तो इसे एक बटा इतना कहना जरूरी है, तो अगर एक बटा ये लिखा हुआ है तब क्या करें, पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करने का मतलब हुआ अगर इस संख्या को हम यहां कर दें तो ये संख्या वहां चली जाएगी, ऐसे बन जाएगी एक बटा 3.718 बराबर हो जाएगा 0.2689, यहाँ पे दशमलव होना चाहिए। तो अब हमारा सवाल होगा कि अगर हम यहाँ दशमलव करें तब क्या होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, 3 और 7 के बीच दशमलव था, यानी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 अंक हमारा दशमलव लेफ्ट गया, तो हमारा उत्तर भी 4 अंक राइट चला जाएगा, तो अब नया उत्तर क्या हो जाएगा, 2689। देखो SSC सन 2000 का सवाल है, इतने आसानी से यह प्रश्न हल किया जा सकता है बिना लगाए, केवल दशमलव को आप देख पाइए कैसे हो रहा है। ये भिन्न दिया है, यदि आरोही क्रम में लिखा जाए तो किस प्रकार लिखा जाएगा, आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले तो -7/8, देखो ये लिखा है -2/9 और -7/8, वहां 4/3 है तो 5/12, तो देखो क्या करते हैं, तो 4/3 तो बहुत बड़ा हो गया, तो सबसे 4/3 कहाँ कहाँ है, यहाँ ठीक 4/3 तो कि सबसे बड़ा, उसके बाद 5/12 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब हमारा देखो पहला बी और सी तो गलत, अब ए और सी में से चेक करना, केवल हमें ये देखना है 2/9 और 7/8 में क्या होगा। अगर हम 2/9 को देखें तो ये है दशमलव, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, और ये 7 है तो ये हो जाएगा 70, 8 × 7 = 56, ये ज़्यादा ही होगा। निश्चित रूप से अगर हमको कम चाहिए तो सबसे कम तो ये है दशमलव -7/8, और उससे बड़ा है -2/9, और उसके बाद ये है ही है, कहाँ दिख रहा है ये -7/8 कहाँ है, ये है पहला विकल्प, ये भी गलत चला जाएगा। क्यों गलत चला जाएगा, देखो दशमलव में जब हम दशमलव में जाते हैं और इन माइनस में, तो माइनस में जो संख्या छोटी होती है वह बड़ी मानी जाती है और जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी मानी जाती है, बस इसलिए हमारा ये क्रम बनेगा, ए विकल्प सही हो रहा है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल है सबसे बड़ी भिन्न बता दो, 6/7, 5/6, 7/8, 5/4, 4/5, आपको एक जानकारी दे दे, इसमें आपको भाग भी नहीं देना पड़ेगा, अगर इनके बीच का क्रम लगातार बराबर है, जैसे 6 और 7 में एक का डिफरेंस है, 6/7, 5/7, 6 और 7/8, 4/8, तो जो देखने में सबसे बड़ी भिन्न है वही सबसे बड़ी भिन्न है, और जो देखने में छोटी भिन्न है वही सबसे छोटी है, आप जांच कर लीजिए, 7/8 सबसे बड़ी संख्या है, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 आप देखते जाओ तो आपका क्रम देखोगे तो दशमलव बढ़ता जा रहा है, वो एक की तरफ अप्रोच कर रहा। आइए अगले सवाल पर चर्चा, लिखा आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अब वही तरह का सवाल है, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना होगा 4/5, फिर लिखना होगा 5/6, फिर लिखना होगा 6/7, और फिर लिखना होगा 7/8, ये है आरोही क्रम, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, सी विकल्प आपका सही जा रहा, चेक कर लीजिए। आइए अगले सवाल पर, आप समय देखिए, एक प्रश्न को करने में कितना समय लगता है, हो सकता है कोई सवाल बड़ा हो जाए लेकिन घबराना नहीं है, बाकी सवाल आपको छोटे मिल ही जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक टोकरी में, दो टोकरियों में 640 संतरे हैं, एक पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाती है, पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है, आप देखो अब एक दोनों टोकरी मिला के 640 है, मतलब हम कह सकते हैं कि x + y = 640 है, ठीक है। अब कह रहे पहली टोकरी में से 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए, तो अगर पहली टोकरी में से दूसरे टोकरी में डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे लगा दो कि थोड़ा आसान हो जाए, कह रहे दोनों टोकरी में संख्या बराबर हो जाए तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी, अब तो संतरों की संख्या 640 अगर ये तो 640 में से तो देख लिया जाए 800 तो होगा नहीं, और देखा जाए तो हम एक को x मान ले और एक को y मान ले और दोनों मिलकर 640 है ना, और अगर हम इसमें से 1/4 उसमें डाल दें ना, पहली टोकरी में से 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए तब दोनों टोकरी में संख्या बराबर हो जाएगी, यानी कि x माइनस x बटा 5 बराबर y प्लस x बटा 5 ये बराबर हो जाएगा,
अब इसे हल कर सकते हैं आप। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, यह जो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो अगर हम x में से x का डब्बा 5 निकाल के उसको दूसरी वाली टोकरी में डाल दे y वाले में, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम इस x बटा 5 को इस साइड में लाए तो माइनस x बटा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 2x बटा 5 और बराबर y हो जाएगा। बोलो अभी हो जाएगा 5x माइनस 2x, बोलो 5x और माइनस 2x कितना होता भाई 3x और बराबर ये 5y हो जाएगा। सोचो 3x बराबर 5y है ना, यानी x और y के बीच में क्या संबंध हो गया, अगर हम पक्षांतर कर दें तो ये बन जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 0। अब आप ही बताओ अगर 3x माइनस 5y बराबर 0 हो गया, अब मैं इसको हटा सकता हूँ, इतना दूर हटा दो तो अब बताइए इसको हम 3 से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा। अच्छा हमको पहली की बताना, तो 5 से गुणा करो, पहली संख्या बताना, तो 5 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 0, 5 + 2 = 32 और 5 से इसमें कुछ नहीं करना तो इधर लाओ इसके अंदर 3x माइनस 5y और बराबर 0। अब जोड़ेंगे तो कट जाएगा, ये हो गया 8x और ये हो जाएगा 3200। अब आप देख सकते हैं x बराबर कितना आ गया 400, पहली टोकरी में 400। हमने दो वेरिएबल से सवाल लगा दिया, कोई बात नहीं सिंगल वाले से भी हो जाएगा, अगर आप वन वेरिएबल से लगाना चाहें तब भी हो जाएगा। अगर हम एक को x मान लें और एक को 640 माइनस x मान लें, अब इसका 1/5 वहां डाल देंगे, तो 1/5 वहां डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां बचेगा 4x/5 और वहां क्या हो जाएगा 640 माइनस x है और इसके बाद प्लस 1/5। तो अब ये हल करेंगे तभी बराबर हो जाएगा, तो बड़ा हो ही जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आप दो वेरिएबल डाल दो तब भी ठीक है, एक वेरिएबल डाल दो जैसे आप जल्दी कर पाओ वही ठीक है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाएगा। आओ देखा जाए, कोई भिन्न होगा मान लो उसका नाम x बटा वाई होगा, अब कह रहे हैं भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, नहीं x बटा वाई ना माना जाए, क्यों ना माना जाए आता कह रहे हैं जो उसका अंश है उसके हर से 4 कम, यानी कि अगर अंश को हम x मान ले तो ये x प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि इससे वो 4 कम। अरे यदि अंश को 2 घटा दिया जाए, 2 घटा दिया और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, 2 बढ़ा दिया, तब क्या हो जाएगा, तो हर जो है अंश का 8 गुना हो जाएगा, यानी अब हम लिख सकते हैं 8x माइनस 2 बराबर x प्लस 5, इसी को हल करना है तो आप पाएंगे 8x माइनस 16 बराबर x प्लस 5, तो x इधर आएगा 7x और ये माइनस 16 उधर जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, 16 × 5 = 21 हो जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। अब क्या चाहिए, 3 ये है तो 3 × 4 = 7, यानी वो वैल्यू हो जाएगी 3/7। जब आपको अंश पता चल गया तो हर पता चल ही जाएगा क्योंकि उससे वो केवल 4 ज्यादा था। अगला प्रश्न है, एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर 2/11 बन जाती है, यदि अंश तथा हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 बन जाती है। इस तरह सवाल वही एक इक्वेशन बन जाएगा। और देखें एक भिन्न हमने x बटा वाई लिया, इसके हर अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दीजिए, +2 + 2 जोड़ दीजिए, तब यह बन जाएगा 9/11। तुरंत एक इक्वेशन बन जाता है, ये क्या बन जाएगा 11x + 22 = 9y + 18, यानी 11x - 9y = क्या हुआ 22 उधर चला गया तो -4 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन बन गया, इसको कहीं ले जाकर रख लेते हैं, इधर रख देता हूं 11x - 9y = -4। अब क्या है दूसरा इक्वेशन, देखो दूसरा इक्वेशन देखने के लिए इसको मैं हटा देता हूं। दूसरा इक्वेशन कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी x बटा वाई है इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए, तब 5/6 बन जाएगा, 6x + 18 = 5y + 15। अब 6x - 5y = 18 उधर जाएगा तो -3 बन जाएगा। अब इन्हीं दोनों को हमें बराबर अभिन्न पूछना है, कोई एक मान मिल जाए तो सही है, 11, 6, 9, 5 कौन सा सही रहेगा, 9, 5 को बराबर करते हैं, इसमें 5 से गुणा कर देते हैं 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5 से गुणा कर रहा हूँ तो 11, 5, 55x और -45y और बराबर क्या हो जाएगा 5 × 20। इसमें हम 9 से गुणा करें, 9 × 54x
और माइनस नौ पचे 45y और बराबर नौतियां 27। अगर हम इसको घटाते हैं तो सिंबल बदलेगा और ये कट जाएगा, यहां बचेगा केवल x और यहां बचेगा केवल 7। x की वैल्यू 7 आ जाएगी, अंश हमारा मिल चुका है। अब 7 हम कहीं भी रख दें, मान लो इसी में रख दें तो 7 छंग 42, 42 में हम 3 जोड़ दें तो ये 5y के बराबर हो जाएगा। तो 5 9 45 यानी 7/9 हमारा पहला विकल्प सही चला जाएगा। तो ये सवाल है, कितने जल्दी आप उसको वन वेरिएबल से टू वेरिएबल जैसे भी हो पाए आपका उद्देश्य होगा जल्दी से लगाना। ए बी सी डी ने 60 रुपये कीमत का उपहार खरीदा, ए ने दूसरों की आधी, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों की 1/4 कीमत अदा की, तो डी ने कुल कितना अदा की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको पॉज करके वीडियो खुद लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, तब आपको क्लियर होगा कि क्या हो रहा। ए बी सी डी ने 60 रुपये उपहार खरीदा, कह रहा है ए ने दूसरों की अपेक्षा आधी कीमत दिया। दूसरों की अपेक्षा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ए बी सी डी है तो अगर ये तीनों मिल करके 2x रुपया दिए होंगे तो ये अकेले x दिया है, और आप जानते हो ये लोग मिलकर कितना दिए हैं 60, तो बताओ 3x = 60 तो बताओ ए ने कितना दिया होगा, 20 रुपया। समझ पाए नहीं समझ पाए, ए ने दूसरों की अपेक्षा आधी दी, यानी दूसरे जो बाकी बी सी डी है उन्होंने मिलकर जितना दिया होगा उसका आधी इसने अकेले दिया, यानी कुल 60 को 3 भागों में बांट लो ना, 2 भाग उन लोगों को 1 भाग इनको, तो 20 मिल गया इनके। अब जरा बी के हिसाब देखो, बी ने दूसरों की अपेक्षा 1/3 दिया। अगर हम बी की बात करें तो ए सी डी है, यहाँ पर 1/3 दिया, यानी अगर इन लोगों ने 3 वाई दिया या अकेले वाई दिया, अब ये लोग मिलकर दिया कितना 60, तो बताओ 4y = 60, 1y = 15, यानी कि बी ने कितना दिया 15 रुपया। अब सी ने कह रहे 1/4 दिया, अगर सी ने 1/4 दिया है तो जरा सोचो ए बी डी है ये, तो 1/4 देने का मतलब हुआ ये 4 सी दिया, मान लो 4c तो अकेले सी दिया है, अब सब मिलकर के 60 दिए होंगे तो 4 × 5 c माने 60 हुआ, 1 c मतलब क्या हो गया भैया 12। अब आप ही बताओ, अब इन्होंने पूछा डी ने क्या दिया होगा, जब तीनों की वैल्यू हमको पता चल गई है 5 × 2 = 7 और 2 × 2 = 4, 47 हो चुका है, तो कितना दिया होगा इन्हें, 13 रुपया तो दिया होगा, डी ने 13 रुपया दिया, ये रहा आपका उत्तर। अच्छा सवाल, अगले सवाल पर बात करो। एक कार्यालय में 108 मेज 132 कुर्सियां हैं, यदि उनमें 1/6 मेज 1/4 कुर्सियां टूट जाए तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। अगर 1/6 मेज टूट जाए, भाई 108 था, 1/6 टूट गया, यानी 5/6 बचा होगा, अगर 6 बचा होगा 6 × 6 = 6 = 18 मेज बचा, और ऐसे ही 1/4 कुर्सी टूट गई है, 132 थी, 1/4 टूट गई तो 3/4 बची होगी, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 33 × 99। अब एक कुर्सी एक मेज लगा एक कलर को चाहिए तो कम से कम 90 लोग बैठकर अभी भी काम कर पाएंगे। देखो तारा, उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी का आवश्यकता अनुसार कितने लोग काम कर सकते हैं, तो मैंने 90 बता दिया, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल पेयर पर बात होती है, मिनिमम पॉसिबल पेयर। एक लड़के को किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया, किंतु उसने भिन्न का 3/5 से भाग दे दिया। अच्छा भाग दिया होगा तो कह रहा उसका उत्तर सही उत्तर से 32/75 अधिक आ गया। अब आप बताओ, अब हम कह सकते हैं कि एक्स में अगर हम 3/5 देखो, एक्स का मुझे 3/5 ज्ञात करना था लेकिन उसने गलती से 5/3 ज्ञात कर दिया, अब इसका जो अंतर आया वो आया 32/75। कितना आसान हो गया, देखो 25x - 9x 16x / 15 = 32/75, 15 × 5 = 75, 16 × 2 = 32, एक्स बराबर क्या आ गया 2/5, 15 × 5 = 75 सही है, और 16 × 2 = 32 एकदम सही है, एक्स बराबर आ गया 2/5, क्या चाहिए था सही उत्तर क्या। अब सही उत्तर यह है कि 2/5 है, अब 2/5 को अगर आओ 3/5 से गुणा कर पाया होता तो 6/25 उसका उत्तर आ गया होता, सही उत्तर हमसे पूछा गया, सही उत्तर 6/25 है, ये ना पूछा गया है। आगे देखिए, किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाती है। जरा देखो, एक भिन्न है,
इसके दोनों में एक वन वन जोड़ दिया जाए तब ये एक बटा चार हो जाती है। यहाँ से एक भिन्न तुरंत मिल जाएगा, चार एक्स प्लस चार बराबर वाई प्लस वन। अब ये हो जाएगा चार एक्स माइनस वाई बराबर माइनस तीन। ये पहला समीकरण बन गया। फिर कह रहे यदि अंश हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, यानी एक्स बटा वाई था, अब की बार सब में दोनों में दो जोड़ दिया जाए तब वह एक बटा तीन हो जाएगी। ये मना बना तीन एक्स और प्लस छः बराबर वाई प्लस दो। अब ये हुआ तीन एक्स माइनस वाई बराबर माइनस चार। दोनों को वाई बराबर है, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं, इसी के नीचे ला रहा हूँ। तीन एक्स माइनस वाई बराबर माइनस चार। अब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये वाई खत्म होगा, एक्स बराबर आ जाएगा एक। अगर एक्स बराबर एक आ गया तो हम एक का मान कहीं रख देंगे, मान लो यहीं रख दें, तो तीन और चार सात, ये हो गया सात, एक और सात। करें अंश और हर का योग बताओ, एक प्लस सात बराबर क्या हो जाएगा आठ। हमारा पहला विकल्प सही जा रहा। समय देखिए, सवाल लगाने का तरीका देखिए, रफ्तार देखिए, कैलकुलेशन देखिए, सब देखिए एक साथ। किसी लड़की से एक संख्या को सात बटा आठ से गुणा करने को कहा गया, किंतु उसने सात बटा आठ से भाग दे दिया, उसका परिणाम सही परिणाम से पंद्रह दिखता। सेम लगभग सवाल है कि किसी संख्या को सात बटा आठ से गुणा करने को कहा गया, उसने x को आठ बटा सात से गुणा कर दिया, परिणाम उसका पंद्रह अधिक आ गया। कह रहा तो संख्या के अंकों का योगफल बताओ, तो चलो संख्या निकाल लिया जाए। देखो आठ हटाए चौंसठ और सात सत्य उनचास ना, चौंसठ में से उनचास घटाओ, उनचास एक पचास, पंद्रह आएगा। देखो पंद्रह एक्स माइनस छप्पन और बराबर पंद्रह, पंद्रह पंद्रह कट गया, एक्स बराबर छप्पन आ गया। और छप्पन के अंकों का जोड़ देखोगे तो छः पाँच ग्यारह बन जाएगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला है, एक छात्र से आठ बटे सत्तर से गुणा करने को कहा गया, उस छात्र ने उस संख्या को आठ बटे सत्तर भाग दे दिया। लगभग एक जैसे सवाल गलती से आगे होंगे। देखो एक्स गुणा आठ बटा सत्रह करना चाहिए था, लेकिन उसने गलती से एक्स का क्या कर दिया, उसने गलती से एक्स का सत्रह बटा आठ कर दिया। अब घटाने पर क्या आ रहा है, सही उत्तर से दो सौ पच्चीस अधिक आ गया। अब देखो सत्रह सत्रह दो सौ नवासी, दो सौ नवासी में से हमने क्या किया, आठ हटाए चौंसठ घटा दिया, ये आ गया पांच, दो सौ पच्चीस आ गया। दो सौ पच्चीस एक्स बटा अठारह अट्ठे सत्रह अट्ठे एक सौ छत्तीस, एक सौ छत्तीस और बराबर दो सौ पच्चीस। यहाँ एक्स है, ये दोनों कट ही जाएगा, एक्स बराबर एक सौ छत्तीस आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये प्रश्न कैसे होना है। सत्रह नंबर देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का तीन बटा चार करने के लिए कहा गया, गलती से उसने तीन बटा चार से भाग दे दिया। देखो संख्या का तीन बटा चार क्या, गलती से संख्या का तीन बटा चार, देखो से भाग दे दिया होना चाहिए था, से भाग दे दिया ना। अब देखो क्या हो रहा है कि कोई संख्या है उसका तीन बटा चार ज्ञात करना था, उसने एक्स का चार बटा तीन ज्ञात कर दिया। अब मेरे ख्याल से इस तरह का कोई सवाल आपसे कभी गलत नहीं होने वाला है, मैं भरोसा कर सकता हूँ। सोलह में से नौ गया सात, हैं सोलह में से नौ घटाइए सात एक्स और बटा बारह बराबर है एक सौ पचास। फिर से देख लीजिए, परीक्षा विद्यार्थी से तीन बटा चार ज्ञात करने को कहा गया, गलती से विद्यार्थी ने संख्या का तीन बटा चार ज्ञात कर दिया, तो सही उत्तर से एक सौ पचास। देखो सात से एक सौ पचास कटेगा नहीं, कोई ना कोई बात जरूर है इसमें, तो क्या किया जाए, तीन बटा चार तीन बटा चार कोई संख्या और होना चाहिए था जिससे संख्या कट जाती आराम ना। तीन बटा चार चार बटा तीन देखो सोलह, सोलह में से नौ गया सात, सात तो संख्या कटने वाली होनी चाहिए थी, नहीं कटी, तो क्या करें, और बताता हूँ बारह बारह पंद्रह ठीक है पंद्रह, कोई ऐसी संख्या बना दे तो काम हो जाए ना। ये जो 150 है 150 की जगह 105 कर दिया जाए, देखो 105 105 कर दिया जाए। अब देखो क्या हो जाएगा, सात से कट जाएगा 15 बार में और 15 गुणे 12 180 हो जाएगा, x बराबर 180 आपका उत्तर बन जाएगा। ये जहाँ जो 105 लिखा है 150, यहाँ 105 कर दिया जाए तो आपका उत्तर आराम से बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं, किसी विद्यार्थी को एक संख्या का पांच बटा सोलह ज्ञात कर दिया, गलती से उसने उस संख्या का पांच बटा छह ज्ञात कर दिया।
देखो भैया x का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, उसने गलती से उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया और सही उत्तर से 250 अधिक था। जरा सोचो अगर हम इन दोनों का लघुत्तम ले लें 16 कितना हो जाएगा 48 48 तो 6 8 48 8 5 40 है और 16 3 48 3 5 15 x बराबर 250। ये आया 25x/48 बराबर 250, तो 50 दहाई में आ गया 480। आप देख रहे हैं इसका उत्तर कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। अगले सवाल को ध्यान से देखें, ये है एक विद्यार्थी को से किसी से 3/2 करने के लिए कहा गया। देखो x का 3/2 करने को कहा गया, उसने गलती से भाग दे दिया यानी 2/3 कर दिया, x का 2/3 कर दिया, तो अब इससे उत्तर 10 आ रहा है। 9 में से 4 घटाओ 5 x/6 बराबर 10 है, 5 × 10 x बराबर 12 आ रहा है। तो देखिए सवाल, एल की संख्या का 3 गुना इस संख्या का 3/5 से 60 अधिक, किसी संख्या का 3 गुना यानी 3x, देखो किसी संख्या का 3 गुना 3x इस संख्या के 3/5 से यानी इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो, ये रहा। फिर वह 5 × 15 में से 3 घटाओगे 12x/5 बराबर 60 है, तो आप 12 × 5 = 60 x बराबर क्या कहोगे 25। आप देख सकते हैं कितने आसानी से इस तरह के प्रश्नों को जवाब दिया जा सकता है। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।